वालेकुम, मैं हूँ मुस्कान और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज एक बहुत ही ज़बरदस्त सा सर में डालने के लिए तेल, जिससे आपके बाल गिरना बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे और आपके बाल मोटे घने चमकदार हो जाएंगे। ये तेल मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ और काफ़ी सालों से इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी तरकीब आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल बहुत अच्छे और बहुत हेल्दी हैं, इसलिए आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये तेल बहुत ही अच्छा है। इसके लिए हमें चाहिए सरसों का तेल, आप अपने हिसाब से जितना ले लीजिए। अगर ये आधी प्याली सरसों का तेल है तो आपको चाहिए इसमें आधी ही चमची, आधा टेबलस्पून आप इसमें लेंगी कलौंजी और आधा लेंगे दाना मेथी। बराबर का कलौंजी और दाना मेथी लेकर उसको आप ग्लैंडर में पीस लीजिएगा, उसको आप बारीक पीस लें, सिल पे पीस लें, ग्लैंडर में जहां आपको सहूलत लगे आप उस चीज़ में पीस लें। पीसने के बाद देख लीजिए ये बहुत ही बारीक है, इसमें मैंने थोड़ा ऑयल डाला है और ये बहुत ही बारीक है, इसलिए इसको आपने अपने ऑयल में मिक्स कर देना है। इसको आपको इस तरह से कुछ बन जाएगा, आपका ये ऑयल इस तरह से नीचे बैठ जाएगा, ये जितना भी इसका मसाला है और आपका ऑयल ऊपर होगा। आपको इस तरह मिक्स करके इसको इस तरह की एक तेल की बोतल में भर लेना है। ये बहुत ही आसानी से मिल जाती है और काफ़ी जगहों पर अवेलेबल है ही। आप इसमें भर लीजिए इसको, लेकिन आपको इसको इसी तरह भरना है जिस तरह से ये नज़र आ रहा है आपको, आपको इसी तरह से इस बोतल में भर के रख लेना है आपको इस तेल को। जब आपको लगाना हो आप इस तरह से करके लगाएंगी तो ये आपको जड़ों तक आपकी पहुँच कर आपके बालों को बहुत ही अच्छा हेल्दी कर देगा। ये तेल ज़रूरी है जड़ों में लगाना, जिसके बाल टूट रहे हों, नरम हों, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों, उन सब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके इस्तेमाल से आपके बाल बिल्कुल ही झड़ना बंद हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी लंबे होंगे। ये बहुत ही आसान सा एक तेल है जो आप लोगों को मैंने बताया है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और कोई भी सवाल हो या आपकी जो भी राय हो उससे हमें आगाह ज़रूर करिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी बात को बताइएगा। आपको अच्छा लगे, आपको और क्या तरकीब चाहिए किसी चीज़ की, आप ज़रूर हमसे शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।